अस्सलामुअलैकुम सामीन हजरात, जब अली असगर को मैदान में इमाम हुसैन लाते हैं तो 10 मुहर्रम के दिन करबला में तमाम फौजे यजीद ये कहती हैं कि शायद हुसैन कुरान लेकर आए हैं। इमाम हुसैन अपनी आभा को हटाकर फौजे यशाकिया के सामने कहते हैं, ए लोगों, अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है, इस 6 माह के मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या किया है? ये तो रसूल अल्लाह के गुलशन का छोटा सा फूल है। 3 दिन से मुसलसल पानी ना होने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। ए जालिमो, इस मासूम अली असगर को पानी पिलाओ। तमाम लोग एक ही आवाज़ में कहते हैं, ए हुसैन, पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर वाकई असगर हमसे पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिला देंगे। इमाम हुसैन अली असगर को देखते हैं और कहते हैं, ए मेरे असगर, मांग अब पानी, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग, वरना रोज़े महशर ये लोग कहेंगे, अगर असगर पानी मांगता तो हम इसको पानी पिला देते। अली असगर तमाम लश्कर की आँखों में आँखें डाल कर कहते हैं, ए मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तारीख ने लिखा है, अली असगर की आवाज़ में इतना दर्द था कि फौजे यजीद हिलने लगी। इतने में उमर बिन साद कहता है, ए हुरमुला, देखता क्या है, असगर का निशाना दे और तीर चला, ऐसा न हो कि असगर फिर से पानी मांगे और फौजे यजीद बगावत पर उतर आए। बस वो तीर जिससे जानवरों का शिकार होता था, अली असगर का निशाना करके मारा गया। तारीख ने लिखा है, उस तीर की 3 नोकें थीं। एक नोक अली असगर की कान पर लगती है और एक नोक अली असगर के गले पर लगती है और एक नोक अली असगर की कमर पर लगती है। तीर इतना वजनी था कि अली असगर की चीर कर इमाम हुसैन के बाजू पर आ लगता है। अली असगर के जिस्म से थोड़ा सा खून निकलता है और थोड़ा सा माँ का दूध निकलता है। इमाम हुसैन अली असगर को देखते हैं और आसमान को देखते हैं, चाहते हैं कि अली असगर का खून आसमान की तरफ रवा करें। आसमान रोके कहता है, ऐ मेरे इमाम, अगर खूनी असगर हमारी तरफ भेजा तो कयामत तक हम पानी नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन चाहते हैं कि खूनी असगर को ज़मीन में हवाले कर दें, तो ज़मीन रोकर कहती है, ऐ मेरे इमाम, अगर इस मासूम का खून मुझ पर गिराया तो कयामत तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन अपने चेहरे पे अली असगर का खून मल लेते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, मैं रोज़े महशर ऐसे ही तेरे पास आऊंगा और कहूंगा, मेरे असगर का क्या कसूर था जो इसको 3 दिन प्यासा करके शहीद किया गया। बहुत ही दर्द भरा वाकया है ये करबला का। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआए खैर में याद रखिए।